नमस्कार जहिंद मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों और दाताओं, सभी किसान भाइयों को राम राम। आज 12 नवंबर 2023 दिन आज रविवार। चले जानते हैं दिल्ली के आजादपुर मंडी में आज प्याज का क्या माहौल है, क्योंकि आज त्यौहार का दिन है, आज दीपावली है, तो आज मार्केट में कैसी क्या भीड़ भाड़ है, कैसी क्या प्याज में उछाल देखने को मिल पा रही है, पूरी की पूरी जानकारी आपको मिलेगी, कितना क्या अराइवल है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पास जाती रहे और आप सही समय पर सही जानकारी का लाभ ले पाए। चलिए किसान भाइयों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, आज रविवार का दिन है तो आवक तो बंद है, लेकिन जो बचा हुआ माल है, कुछ ग्राहकी है, वो चल रही है, क्योंकि आज त्यौहार का सीजन है, उसकी वजह से मंडी में दुकानें खुली हैं और प्याज में भी उछाल देखी जा रही है। देखिए, अगर हम फर्स्ट क्वालिटी की अगर लालिमादार पूना के प्याज की बात करें तो 42 रुपये से लेकर के 48 रुपये किलो है। नासिक के प्याज की बात करें तो 38 रुपये से लेकर के 42 रुपये किलो है। अगर हम NCCF सरकारी माल की अगर बात करें तो 35 रुपये से लेकर के लगभग 39-39.5 रुपये किलो के हिसाब से है। अगर हम हरियाणा पंजाब की प्याज की बात करें तो 50 रुपये से लेकर के 52 रुपये किलो, यानी कि जो फर्स्ट क्वालिटी का लालिमादार प्याज है, हाईएस्ट रेट है, वो 55 रुपये से लेकर के 60 रुपये किलो के हिसाब से, यानी कि प्याज का जो भाव है वो काफ़ी हद तक ठीक नजर आ रहा है। आज प्याज में काफ़ी ज़्यादा उछाल भी देखी गई है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करें।